बताइए, लोकतंत्र में सब जनता का मौलिक अधिकार है। मान लीजिए सरकार कोई गलत कर रहा है तो उसके खिलाफ तो आंदोलन होगा, क्योंकि जनता की जो अपेक्षाएं हैं, जो भी विधायक चुने जाते हैं वो जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। अगर आप गलत काम कर रहे हैं तो इनका विरोध करना, जनता का विरोध करना, ये मौलिक अधिकार है। अगर ऐसा उन्होंने कहा है, बिल्कुल गलत कहा है, इनको अपने बयान को वापस लेना चाहिए। आप लोकतंत्र की हत्या नहीं कर सकते। ये पूरा भारतवर्ष कि सभी लोगों को मौलिक अधिकार है, सरकार जो अच्छा करे उसकी तारीफ करेगा, जो खराब काम करेगा उसका निंदा करेगा, ये मौलिक अधिकार है। अगर उन्होंने कहा है तो उनको बात को वापस लेना चाहिए। कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि ये हिटलर के तरह तानाशाही वाला जो सरकार है वो चल रहा है, इससे पहले भी मैं कह रहा हूँ कि उनको वापस लेना, इसलिए कि देखिए आप बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, क्या माने मुख्यमंत्री कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, वो तो सिस्टम से चलता है, जो सरकार के एक्ट है उसके हिसाब से होता है। अब आप कोई कोई आंदोलन कर रहा है तो आप उसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे, उसकी रोजी रोटी छीनेंगे आप, ये बिल्कुल सही नहीं है। लगता है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से इतने दबाव में आ चुके हैं इस 3 महीने में, एक तो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं, ये उनका नेचर नहीं था, और इस तरह का बयान इनको शोभा नहीं देता। यह तो पुराने नेता रहे हैं, सोशलिस्ट माने जाते हैं, और इनका विचार होना चाहिए सभी को, लोकतंत्र में मौलिक अधिकार जो, उसको बात कीजिए और उसका जवाब आप दीजिए। जो वो गलत बोलता है उनको समझाने का काम कीजिए। हम लोग का काम यही है, किसी को ठेकेदारी नहीं मिलेगा, किसी को FIR दर्ज होगा और उसको नौकरी सरकारी नहीं मिलेगी। कमाल, एक तो सरकारी नौकरी आप दे नहीं रहे हैं, अभी 19 लाख नौकरी की बात की है उसमें तो एक भी नौकरी नहीं मिल रहा, तो आप उसको काम करिए। नहीं देंगे मतलब आप नहीं दे पा रहे हैं नौकरी, इसलिए ऐसी बात कर रहे हैं कि नौकरी नहीं दे पा रहे हैं। चलो भैया तूने आंदोलन किया तो नौकरी नहीं दिया तेरे को,